एक अच्छे नो मेकअप लुक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन जो है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो मेक श्योर मेकअप करने से पहले या तो आप फेस को वॉश कर रहे हो, अगर वाटर एक्सेस नहीं है तो आप एक वेट वाइप्स की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन आउट कर सकते हो ताकि फेस पे कोई भी डर्ट इम्प्योरिटीज ना रहे और आपकी स्किन लगनी चाहिए एकदम नाइस एंड क्लीन। नेक्स्ट अप इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो आता है प्राइमर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। जितना अच्छे से आप अपनी स्किन को प्राइम करोगे उतना ही आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगने वाला है और उतनी ही आपकी स्किन जो है वो एक नो मेकअप लुक वाला इफेक्ट आपको देगी। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ लेस प्रोडक्ट, बट जितना अच्छा स्किन प्रेप होगा उतनी अच्छी स्किन आपकी ग्लो करेगी। जितना अच्छे से आप प्राइम करोगे उतना मेकअप आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से ग्लाइड करने वाला है। तो पूरे फेस पर अच्छे से जहाँ जहाँ पर मुझे नीड लगती है मैं प्राइमर लगा लूँगी। एंड देन आई एम यूजिंग डॉट एंड की स्ट्रोब क्रीम। ये जो है ना, ये आपके स्किन पे बहुत ही नेचुरल विद इन सॉर्ट ऑफ ग्लो प्रोवाइड करके देगी। यू कैन टोटली टेक अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द चीक्स। ये वाला चीक इतना ग्लोई लग रहा है और दूसरा वाला एकदम इस टाइम पे मैट लग रहा है बिकॉज हमने प्राइमर लगाया था। तो फेस पे ग्लो और शाइन वापस देने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम यूज कर रहे हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे लैक्मे की ल्यूमी क्रीम आती है, एक्वालॉजिका, देन मैक्स स्ट्रोब क्रीम और शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर। डिपेंडिंग अपॉन द बजट आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो। नाउ आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, बट करंटली आई एम यूजिंग अ स्टिपलिंग ब्रश टू ब्लेंड आउट माई स्ट्रोब क्रीम। एंड यहाँ पे हमारा जो बेस है ना वो रेडी हो जाता है मेकअप के लिए, एक ग्लोइंग हाइड्रेटेड स्किन, जिसकी वजह से हमारा नो मेकअप लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मेक श्योर आप नेक पे भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हो, वरना आपका फेस ग्लो ही लगेगा और नेक बहुत ही ज़्यादा डल लगने वाली है। नाउ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम मेकअप यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेबलिन फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एंड बिकॉज ये कंसीलर बहुत ज़्यादा कवरेज वाला नहीं है, ये आपको एक मीडियम कवरेज सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करके देता है। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी कवरेज चाहिए आप उतना प्रोडक्ट लगा सकते हो। मेरे को जैसे मैंने अपने अंडर आइज में एप्लीकेशन करी थी, देन आई अप्लाइड इट ऑन माई फोरहेड पर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था बिकॉज जैसे भी आपको कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग वगैरह करनी पड़ती है। देन आपका नोज हो गया, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे BBS CC क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर यूजिंग कंसीलर्स आपकी स्किन पे जो ज़्यादा बेटर सूट करता है, स्किन टेंट्स या फिर CC क्रीम, BB क्रीम, कंसीलर, फाउंडेशन, आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। नाउ मैंने कंसीलर ज़्यादा इसलिए भी लगाया बिकॉज इसकी कवरेज ना बहुत ज़्यादा हायर नहीं है, एंड मेक श्योर आप नेक पर भी लगा लो। सो आई एम यूजिंग दिस वेरी अमेजिंग ब्रश जो बेली मेकअप ब्रश सेट में से निकला था, इट्स ए बिग फेस ब्रश। आप इसको कंसीलर ब्लेंड करने के लिए बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। नाउ आई विल ब्लेंड आउट एवरीथिंग जो मैंने अपने फेस पे एप्लीकेशन करी हुई है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरा ब्यूटी ब्लेंडर अभी मेरे हाथ में था नहीं, इसलिए मेरे पास जो ब्रश था मैं उसी की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। एंड यू कैन टेक अ लुक कि कितना अच्छा हमने जो स्किन प्रेप किया था ना अपना, उसकी वजह से कंसीलर लगाने के बाद भी स्किन जो है ना वो इतनी ग्लोई लग रही है, विद इन सॉर्ट ऑफ ग्लो आ रहा है हमारी स्किन के अंदर। सो जितना अच्छा स्किन प्रेप होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप भी लगने वाला है। सो यू कैन टेक अ लुक पूरा मेकअप ब्लेंड होने के बाद भी स्किन इज लुकिंग सो नेचुरल एंड सो ग्लोई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है स्किन के ऊपर। नाउ चीक्स पर थोड़ा सा कलर मुझे यहाँ पर वापस देना है, एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक लिक्विड ब्लश। लेकिन मुझे लग रहा था मेरी आईलेट पर थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है, तो आप आईलेट पर थोड़ा कम प्रोडक्ट लगा सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपको एडिशनल आई शेडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारी इंडियन स्किन पर वैसे ही हमें आईलेट्स पर थोड़ी बहुत कवरेज, एक पिगमेंटेशन होती है, तो हम उसको ऐसे ही अगर छोड़ देंगे तो हमें आई शेडो लगाने की नीड नहीं पड़ती। नाउ ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लश यूज़ किया इन द शेड पिंक। हर एक प्रोडक्ट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं अलॉन्ग विद द शेड्स। सो बिकॉज ये वाला जो ब्लश है ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड था, मैं क्या करूँगी कि जिस ब्रश से मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड आउट किया था उसी ब्रश को मैं कर लूँगी वापस पिक और एजेस को हल्का हल्का ब्लेंड आउट कर दूंगी, सो दैट ब्लश मेरा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। नाउ बिकॉज हमने क्रीम प्रोडक्ट लगा रखा है, वी हैव टू सेट आर फेस। इसके लिए मैं मेबलिन फिटमी का एक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगेन गाइस, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक अलॉन्ग विद द शेड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर दूंगी। बेकिंग की नीड नहीं
नहीं है बिकॉज हमने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया ही नहीं है, ठीक है। सो फेस को अच्छे से सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप आई शैडो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं नहीं करने वाली। और ब्राउज के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये ब्राउ टाटू। ये क्या है ना, ये एक ब्राउ मस्कारा है एंड ये आपके ब्राउज को एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फुली लुक देता है। मतलब यू कैन टोटली टेक अ लुक, कितना अमेजिंग लग रहा है। मैंने ब्राउज को फिल भी नहीं किया बट स्टिल मेरी जो ब्राउज है वो कितनी फुलर लग रही है। आप इस तरीके से अपना यूज़ कर सकते हो और ये बहुत अमेजिंग कलर में आता है। इसी को मैं अपनी लैशेस पर अप्लाई कर लूँगी इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अ सेपरेट मस्कारा। एंड अभी आप रिजल्ट देखोगे कि इसको भी यूज़ करने से कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। यू कैन टेक अ लुक कि ये वाली जो लैश लाइन है वो कितनी ज़्यादा डिफाइंड और कितनी नाइस लग रही है दूसरे के कंपैरिजन में। नाउ सेम जो लिक्विड ब्लश यूज़ किया था उसी को मैं हल्का सा लेकर अपने लिप्स पर लगा लूँगी ताकि मेरे लिप्स पर एक नेचुरली पिंक लुक आ जाए और मुझे एडिशनल कुछ भी यहाँ पे यूज़ करने की नीड ना पड़े। आप चाहो तो लिप ग्लॉस या लिप बाम या फिर सिर्फ एक लिप लाइनर लगा के ग्लॉस से फिल इन कर सकते हो, व्हाटएवर फील्स राइट फॉर यू। एंड दैट इज़ इट, ये था मेरा एक परफेक्ट एंड रियलिस्टिक नो मेकअप मेकअप लुक जो आप कहीं पर भी वेयर कर सकते हो। इट्स सुपर लाइट वेट, कोई भी लेयरिंग नहीं है इसमें एंड इज़ अमेजिंग फॉर समर्स। एंड या दैट इज़ इट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।